हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे सब आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। अभी मैं सिटी जा रहा हूँ तो मुझे कुछ काम है। अभी हम गोप्रो स्टोर पे जा रहे हैं तो अभी मैं फ़िलहाल राहुल के पास जा रहा हूँ। तो राहुल ने क्या है, गोप्रो की कुछ एक्सेसरीज मंगाई थी जो काम में नहीं आ रही, तो उसे एक्सचेंज कराने के लिए हम अभी सिटी जा रहे हैं। तो पहले अभी हम राहुल को पिक करेंगे फिर चलेंगे सिटी और आपको दिखाएंगे। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है उस शॉप पे, गोप्रो से रिलेटिव ड्रोन वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो उस दुकान से। मैंने गोप्रो छोड़ के सारी एक्सेसरीज वहीं से ली है, गोप्रो की केस हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ, एक्स्ट्रा बैटरी हुआ, सब वहीं से लिया मैंने। राहुल कहाँ रह गए भाई, बहुत ही पीछे रह गए राहुल। हमारे राहुल सर पता नहीं कहाँ पे रह गए, दिख नहीं रहे मुझे, साइड में वैसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिग्नल रेड, कहाँ रह गए राहुल जी? काफ़ी टाइम लग गया फ्रेंड्स वहाँ से फ्री होने में, जिस काम के लिए थे वो काम तो हो गया। राहुल ने तो लिया नहीं कन्वर्टर, मैंने ले लिया। काफ़ी अच्छे भैया थे, करीब 20-22 दिन लेट हो गए थे हम चेंज कराने में, फिर भी भैया ने बोल दिया कोई बात नहीं चेंज कर लेंगे। हमारे फ़ोन करने पे भैया रुक गए थे, उनको जाना था, फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। ये देखिए ट्रैफिक, ट्रैफिक का क्या हाल है। ये लो, इसको आगे निकालना पड़ता है। ये महाशय जी पता नहीं कौन सी गली में घुसे हैं। राहुल को पूरा जयपुर घुमाना है, ये जयपुर में रहने के बाद भी इसने अच्छी तरह पूरा जयपुर नहीं घुमा। आप लेफ्ट हैंड में देखते हैं SMS है, SMS हॉस्पिटल। ये देखिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय। आराम से आज दो बार ऐसा हादसा हुआ है। एक ई रिक्शा वाले भैया बोल रहे, भैया क्या मूवी बना रहे हो? अरे नहीं भैया, बोलो कि वीडियो बनाते, बोलो बाइकों पे घूमते, बोलो। अभी दूसरे वाले भैया जो आप ये लेफ्ट हैंड में देख रहे हो, सेकंड नंबर वाले भैया ये बोल रहे हैं ये क्या है, बोले कैमरा, बोले क्या करते हैं, बोले वीडियो बनाते हैं। अब ये देखो कार वालों का कितना आगे ले लिया। सही से बैठा उसे। उस बेवकूफ को नहीं पता नीचे चलना कहाँ चला, इसलिए बोले थे पहले। डाउन कर लेना, डाउन। तेरा फर्स्ट टाइम है ना नीचे? ठीक है, हमको नीचे चलना है तो हम नीचे जाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अपना जयपुर। दोनों तरफ क्या लाइटिंग है, नाइट में निकलने का यही फ़ायदा है जयपुर में। आपको लाइटिंग अच्छी देखने को मिलेगी। तूने देखा था क्या ब्रेक लगाते हुए? हाँ तो वो अंकल ने ब्रेक ऐसे लगाया, मैंने भी हैंड वेड ब्रेक लगाया। तो वही तो कहता हूँ, जयपुर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।